हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और जैसा कि आपको पता है नीट की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है राइट सो so, आप यानी कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर के आए अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं उनकी कोर्स फीस उनका स्ट्रक्चर उनकी फैसिलिटीज के बारे में क्या क्या कट ऑफ है कितना आपको कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा कोटास के हिसाब से राइट तो जल्द ही शुरू करते हैं हम ये वाला वीडियो और इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग स्टेट यानी कि राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार कर्नाटका वेस्ट बंगाल के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस किया है उनके कट ऑफ डिस्कस किए सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट एंड लेट अस नो कि आपको वो आ, समझ में आए या नहीं हेल्पफुल लगे हैं या नहीं सो so, इस वीडियो को शुरुआत करेंगे एच लखनऊ यानी कि हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज Uh, जो कि आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये मेडिकल कॉलेज जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और साथ ही साथ में इसको एन यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको अप्रूवल भी मिला है तो देखते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इन द ईयर 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था जिसका हॉस्पिटल uh, हिंद हॉस्पिटल इस कैंपस में ही और साथ ही साथ में इसका मेडिकल कॉलेज भी है सो so, आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और क्या क्या आपको यहाँ पर मिल सकता है तो ये एक प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल है राइट जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में और अगर हम बात करें कि कितने प्रोग्राम्स यहाँ पर है सो तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो आप पी कर सकते हो और डिप्लोमा कोर्सेज भी ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल कराता है सो ओवरऑल अगर हम देखें एम के लिए कुल कितनी सीटें हैं तो यार आपकी सौ सीटें हैं एम में इस कॉलेज में ठीक है बहुत सारे कॉलेजेस में डेढ़ सौ होती है दो सौ होती है ढाई सौ होती है तो इस कॉलेज में कुल मिलाकर के हंड्रेड सीट्स हैं जिसका अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपकी जो है वन लाख जाएगा राइट एक साल की आपकी इतनी फीस है लगभग तो आपकी वही साढ़े पांच साल आप अगर एक इन्वेस्ट कर रहे हो एक साल की आपकी इंटर्नशिप है बाकी के बच्चे हुए फोर पॉइंट फाइव ईय जो है दैट इज आपके एकेडमिक्स में जाएंगे राइट तो ओवरऑल आपकी साढ़े पांच तक की जा सकती है साढ़े पांच लाख तक की कोर्स फीस और सो ये हमने इसकी डिस्कस की है कोर्स की फीस कितनी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट के बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ओबियस बात है आपने दी होगी नीट की एग्जाम 2021 में राइट right? तो अब आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है अब प्रोफाइल के लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो हमारे जो काउंसलर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए एक नीट काउंसलिंग कोर्स लेकर के आए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है उसमें एनरोलमेंट कराना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डू नॉट फोगेट टू चेक इट आउट और सो तो अब हम देखते हैं कि नीट का एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है कट uh, ऑफ कितना जाता है तो मोस्टली अगर आप अनिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी कि जनरल कैटेगरी से हो तो आपका फिफ्टी परसेंटाइल में आना जरूरी है नीट के एग्जाम में ठीक है वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो मान लो कि आप ओबीसी से हो या आप एसटी से हो या आप एस से हो तो आपका फोर्टी परसेंटाइल पे मार्क्स आने जरूरी है नीट में अब अगर आप 17 से 25 साल के बीच में हो तो आप एलिजिबल हो एम करने के लिए ट्वेल्थ में अगर आपके 50 परसेंट मार्क्स है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आप एलिजिबल हो अगर आप ओ बी सी से हो तो आपके 45 प्रतिशत मार्क्स आने जरूरी है तो भी आप एलिजिबल हो और एट द लास्ट अगर आप फिजिकली हैंडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके मिनिमम ट्वेल्थ में फोर्टी आए हैं तो भी आप एलिजिबल हो एम करने के लिए ओके okay, तो ये हमने कट ऑफ थोड़ा डिस्कस किया है फॉर द एमबीबीएस लेकिन वहीं पर लेट से अगर आप पीजी करना चाहते हो तो उसका कट ऑफ जो है नीट का वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है लेट से अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम मिनिमम जो है 302 मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ सेवन वहीं पर अगर आप ओ से करते हो बिलोंग या एस से करते हो या आप एस से करते हो तो आपके मिनिमम टी फाइव मार्क्स आनेटी बट लेट से अगर आप जेनरल कैटेगरी की हैंडी कैप्डिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके टू मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी एंड लास्ट इज योर यली हैंडीकैप्ड टू सिक्स आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी तो ये आपका नीट पीजी का कट ऑफ है तो अब ये नीट पीजी का कट ऑफ अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो साथ ही साथ में ईडब्ल्यू एस ने की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर आप बिलोंग करते हो तो भाई आपके 302 आने जरूरी है आउट ऑफ 720 नाउ इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी बट फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन तो आपके टू एटी थ्री मार्क्स आने जरूरी है अब अगर आप ओ बी सी एस टी एस सी से बिलोंग करते हो तो आपके टू सिक्सटी फाइव आने जरूरी है वहीं पर अगर आप ओ बी सी एस टी एस सी और साथ ही साथ में फिजिकली हंडीकैप्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन आपके टू सिक्सटी फाइव आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी मार्क्स आने जरूरी है इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द नीट पी जी पोस्ट ग्रेजुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट ओके तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया वहीं पर अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल के बारे में हिंद हॉस्पिटल के बारे में तो यार ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है जो कि आपके कॉलेज में ही कैंपस में ही है जहां पर आपके ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डॉक्टर्स नर्सेज और स्टाफ अवेलेबल होता है एम्बुलेंस सर्विसेज़ है इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं राइट अलग अलग डायग्नोसिस सर्विसेज बनी हुई है लेबोरेटरीज अलग से बनी हुई है तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि यार जिस भी इंस्टीट्यूशन में उनका कॉलेज है मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है सो राइट आफ्टर 4.5 पॉइंट फाइव वो एक साल की जो आखिरी इंटर्नशिप पीरियड होता है वो अपने ही हॉस्पिटल से करते हैं बट इट इज नॉट मैंडेटरी आप अपने से इंटर्नशिप करो, आप बाहर से भी कर सकते हो बट मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर टू गेट इंटर्न इन देयर इंस्टीट्यूशन ओनली सो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑलमोस्ट एवरी जैसे कि मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कि अगर आप जनरल से हो तो आपके मिनिमम फिफ्टी परसेंट होना जरूरी है ठीक है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप ध्यान में रखना एंड ये कट ऑफ भी राइट दिस इज फॉर योर एम ये एम के लिए है आपका एंड ये वाला जो है आपका ये नीट पीजी का है सो so, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ पूछ लो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में हम बात करें एच आई एम एस लखनऊ जो कि आपका नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है वन ऑफ़ द प्रेस्टिजियस एंड नाउंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस में से एक है ये राइट सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्नोलेज यू गाइज की uh, अगर आपने अभी तक तो प्रोडिक्टर यूज़ नहीं किया है उसे इस्तेमाल नहीं किया है सो जस्ट गो एंड डेमो इट्स नॉट एक्सपेंसिव आप उसको जाकर के जस्ट दो सौ रुपए में बाय कर सकते हो ऑल यू गोटूज यू हैव टू पुट योर रैंक इन द प्रिडिक्टर अलोंग विद योर कैटेगरी जिसमें से कि यू आर गोइंग टू गेट अ लिस्ट ऑफ एम बी बी एस कॉलेजेस तो प्रिडिक्टर आपको प्रिडिक्ट करके बताता है लिस्ट बताता है एम बी बी एस कॉलेजेस के बारे में अकॉर्डिंग टू योर नीट का स्कोर कार्ड सो so, जैसे ही आप प्रोडिक्टर यूज करोगे परचेज करोगे आपको हेल्पफुल रहेगा वो आने वाली नीट की काउंसलिंग में बिकॉज आपके पास में ऑलरेडी पता होगा कि किन किन कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ प्रोडिक्टर नीट प्रोडिक्टर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको काउंसलिंग कोर्स के बारे में भी काफी कुछ बताया है सो so, दोनों लिंक्स दी गई है उन्हें यूज करी इस्तेमाल करी एंड शेयर यू एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन की आपको वो यूजफुल लगे या नहीं एंड वन डू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बबाई टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप यू लाइक दिस वीडियो सच वीडियो की